जय माता जी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल, स्वागत है आप सभी का। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का आशय है वो ये है कि नवरात्र आने वाले हैं, चैत्री नवरात्रि आने वाली है। तो चैत्र नवरात्रि में माता रानी के कौन से स्वरूप का पूजन करके, आराधना करके आप अपनी कुंडली के ग्रहों को ठीक कर सकते हो। हाँ, अब आप सभी एस्ट्रोलॉजर तो होंगे नहीं, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि मेरा ये ग्रह मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं आपको इजी तरीके से, इजी वे से बताऊंगी कि आप अगर ये परेशानी अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको ये माता रानी का ये स्वरूप का पूजन करना है, ये मंत्र से करना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये फूल चढ़ाने हैं और ये भोग लगाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक मंत्र से। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, आप में से काफी लोगों को आता भी होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला स्वरूप जो माता जी का होता है वो है शैलपुत्री, जो इस 2021 में 13 तारीख से, 13 अप्रैल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। सुबह घट स्थापना का मुहूर्त होगा, जो आप अपने खानदान की परंपरा के हिसाब से करेंगे। पंचांग में मुहूर्त मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, या आप न्यूज़पेपर में भी पंचांग आता है ना, उसमें आप सर्च कर सकते हो। और मैं आपको विधि बताती हूँ कि मोटे मोटे आपको क्या प्रॉब्लम है और कौन सी माता रानी का आपको पूजन करना है। तो जो माता शैलपुत्री है वो पहले दिन की माता रानी है। पहले उनके स्वरूप का हम पूजन करते हैं, जो कि हम अपने कुंडली में से चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं कि मेंटल डिप्रेशन अगर आप में है, आपको रियल हैप्पीनेस, जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है वो नहीं रही, या आपको ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, वाटर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, और आपके मन की शांति नहीं रही है, प्लस आपकी मदर अगर बीमार रहती है या मम्मी के साथ आपके संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके चार्ट में, आपके कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा अफ्लिक्शन में है। आपको सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी ही समस्या जो है वो चंद्र से रिलेटेड है। और इसके लिए आपको जो मंत्र करना है माता शैलपुत्री का, वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। हो सकता है कि आपको ये बहुत बड़ा मंत्र लगे और आप ना कर पाओ, तो छोटा मंत्र भी है, छोटे मंत्र का भी विधान है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। आपने लाल गुलाबी नारंगी कपड़े पहन सकते हो, कनेर के पुष्प से माता रानी की पूजा कर सकते हो, गाय के घी का भोग लगा सकते हो और गाय के घी का दीपक जला सकते हो, या गाय के शुद्ध घी से बनी हुई कोई भी मिठाई घर में बनी हुई वो आप माता जी को प्रसाद में भोग लगा सकते हो। इसके बाद आता है मंगल के रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके बड़े भाई से अनबन चल रही है, आपके साहस पराक्रम में कमी आ गई है, आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं, या जमीन में मकान में कोई मुकदमा चल रहा है, या आपका काम ही है ब्रोकरेज का जमीन मकान, अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका मंगल खराब है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो मंत्र बोलना है वो है ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। उस दिन अपने सफेद या पीले कलर के कपड़े पहनने हैं, सेवंती का पुष्प आता है वो आपने चढ़ाना है, और पंचामृत जो है वो प्रसाद में आपको रखना है। और अगर हो सके तो उस दिन मंगल की चीजों का आप दान भी कर सकते हो, मंगल की चीजों में गेहूं आ जाता है, चींटियों को खाना डालना, आटे में चीनी घोल के आप डाल सकते हो, और शक्कर जो आती है ब्राउन कलर की उसका आप दान कर सकते हो। तो पूजा मंत्र अगर खत्म हो गए हो उसके बाद आप उस दिन में कभी भी उस चीज का दान कर सकते हो। ठीक है, और जो आप
वट वृक्ष आता है, वट वृक्ष जो आता है उसके पुष्पों की माला आती है, वो आप माता रानी को चढ़ा सकते हो। तीसरा जो है प्रॉब्लम है वो शुक्र, शुक्र हमारी सुखाकारी का कारक होता है, शुक्र जो है वो कंफर्ट का कारक है। ये जो सारा वैभव दिखता है, ये जो सारी लग्जूरियस चीजें जो होती है, अच्छी अच्छी ब्रांडेड जो चीजें होती है, वो सारी शुक्र के रिलेटेड है। जिंदगी की ब्यूटी, जिंदगी का प्यार, लव, अफेक्शन, सेक्स, जो भी तरह की चीजें हैं जिसमें आपको दिक्कतें आ रही है, शुक्र पत्नी का भी करका है, तो आप उसके लिए माता चंद्रघंटा की आराधना कर सकते हैं। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः, ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः इसका मंत्र है। कमल का फूल लेके आपको पूजा करनी है, दूध का भोग लगाना है, और शुक्र के रिलेटेड है तो आप गाय को चारा भी डाल सकते हो। उस दिन आप पीला, लाल या केसरी कलर का कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हो, अच्छे से कपड़े पहन सकते हो उस दिन वो कलर के। एंड आप ये मत सोचिएगा कि भाई शुक्र है और ये पीले और लाल कपड़े क्यों पहनने को बोल रही है, मगर याद रखिए कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो माता रानी की पसंद बता रही हूँ, ग्रहों के कलर या ग्रहों की पसंद नहीं बता रही। ये माता रानी तो पर्टिकुलर ये ग्रहों को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। अब है चौथा जो स्वरूप है माता जी का, वो कुष्मांडा माता जी है, वो सूर्य को कंट्रोल करते हैं। सूर्य है वो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। गवर्नमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपकी खराब हो रही है, आपको ऐसा कभी फील होता है ना कि यार मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है जिससे मैं, मुझे लग रहा है कि मैंने मेरी अंतरात्मा को बेच दिया है, या अगर आप अध्यात्म की दिशा में जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपका मन ध्यान फोकस नहीं लगता है, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है, या आप कोई कुंडली जागरण की प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माता कुष्मांडा के शरण में जाइए। उनका जो मंत्र है वो है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। मालपुए का आप भोग लगा सकते हो, रॉयल ब्लू ग्रे कपड़े पहन सकते हो, और चमेली के फूल आप माता रानी को चढ़ा सकते हो। और पूजा खत्म होने के बाद आप सूर्य से रिलेटेड कोई भी दान कर सकते हो, तांबे का आप दान कर सकते हो, अपने पिता के चरण छू के आशीर्वाद ले सकते हो, उनको खुश रख सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी होती है। पांचवा जो स्वरूप होता है वो बुध ग्रह को कंट्रोल करता है। माता स्कंद माता का जो स्वरूप होता है वो पांचवा स्वरूप होता है। सफेद या पीले रंग के आपको उस दिन कपड़े पहनने हैं, पीले पुष्प आपको माता रानी को चढ़ाने हैं, और उसका जो मंत्र है ओम स्कंद मातायै नमः, ओम स्कंद मातायै नमः। उसके बाद ये मंत्र हो जाने के बाद आपको हरी चीजों का दान करना है। केले का भोग आप लगा सकते हो। बुध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो होते हैं छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आना, या आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो बुद्धि से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, लर्निंग से रिलेटेड है, आप अगर कहीं पढ़ रहे हो और आपका पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको बुध का प्रॉब्लम है। मासी, बुआ, बहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये भी बुध से कहीं ना कहीं कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप स्कंद माता की पूजा कीजिए। उसके बाद जो छठा स्वरूप आता है वो माता कात्यायनी का आता है, जो कि बृहस्पति को मतलब कि गुरु को कंट्रोल करते हैं, और गुरु है वो संपूर्ण सुखाकारी का कारक है, मैंने पहले भी बताया है, संपत्ति, संतति और शांति, इन तीनों चीजें अगर आपको चाहिए तो गुरु को प्रसन्न करना या आपके चार्ट में गुरु पर जो भी अफ्लिक्शन है उसको दूर करना बहुत जरूरी है, या गुरुदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुख तो शुक्र भी देता है और गुरु भी देता है, मगर गुरु का जो सुख है उसमें फर्क है, जो मन की शांति है, मन का सुकून है, वो जो सुख देता है वो गुरु देता है। जब आप शाम को आते हो और आपके घर वाले पैसों के लिए वेट ना करके सिर्फ और सिर्फ आपका वेट करें ना, वो गुरु है, वो गुरु का सुख है। आपके दोस्त आपके पैसों को, लग्जरी को ना देखकर सिर्फ और सिर्फ आपके मन को देखते हो, आपके अच्छे समय में भी वैसे के वैसे हो और बुरे समय में भी आपको उतनी ही मान इज्जत देना, वो गुरु का सुख है।
तो ये सुख पाने के लिए आपको माता कात्यायनी के शरण में जाना पड़ेगा। तो उनका मंत्र है ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। और लाल गुलाबी हरे कपड़े पहन सकते हो आप, और गेंदे का फूल आप चढ़ा सकते हो, और बृहस्पति है तो कोई भी पीले कलर की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हो माता रानी को, बेसन की या लड्डू या कोई भी ऐसा भोग आप चढ़ा सकते हो मीठा हो जिसमें। सातवां जो स्वरूप है काल रात्रि स्वरूप जो है वो आपके शनि ग्रह को ठीक करेंगे। शनि ग्रह जो है वो शोक का कारक है, दुख का कारक है, लंबे टाइम की बीमारी, लंबे टाइम से एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स चली आना, घर में कलह का ना मिटना, घर में कलश का ना कलेश होते रहना, घर में बार बार कोई ना कोई काम आ जाना, घर में खर्चे आ जाना, इनकम आने से पहले उसका रास्ता हो जाना, ये जो भी सारी चीजें हैं, अचानक से एकदम से कहीं से बुरी खबर आना, किसी के मौत की खबर आना, ये सारी चीजें जो है वो शनि ग्रह से रिलेटेड है। शनि के महादशा चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो आप काल रात्रि माता का पूजन करके अपने शनि देव को प्रसन्न कर सकते हो, शनि ग्रह को ठीक कर सकते हो। उस दिन आपको नीला रंग, बैंगनी रंग, आसमानी रंग के कपड़े पहनने हैं। ओम कालरात्रि देव्यै नमः, ओम कालरात्रि देव्यै नमः का जाप करना है। कृष्ण कमल या नीले कलर के कोई भी फूल आप ले सकते हो, और जो माता कालरात्रि है उनको आप गुड़ का भोग लगा सकते हो। तो ये था शनि ग्रह के लिए। उसके बाद जो आठवां स्वरूप है वो महागौरी का स्वरूप है, वो भी बहुत ही मैलिफिक ग्रह राहु ग्रह को कंट्रोल करते हैं वो माता रानी। तो गुलाबी रंग, पर्पल गुलाबी रंग के पुष्प, रोज ही ले लो, वो आप उनको चढ़ा सकते हो, और ओम महागौरी देव्यै नमः का जाप कर सकते हो। ओम महागौरी देव्यै नमः का जाप कर सकते हो और माता रानी को गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हो। राहु के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिगड़ जाना, घर में बार बार पानी की जगह लीकेज होना, या ड्रेनेज की कोई भी सिस्टम खराब होना, या अचानक से ही बहुत मेजर प्रॉब्लम, चलती हुई अच्छी खासी जिंदगी में जॉब चले जाना, अच्छी खासी मैरिज लाइफ चल रही है, डिवोर्स हो जाना, या कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी का एकदम से डिटेक्ट हो जाना, ये जो सारी चीजें होती है वो राहु ग्रह से आती है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको महागौरी माता का ये स्वरूप जो है उसका पूजन करना ही करना चाहिए, और जो मैंने मंत्र बताए हैं उस मंत्र से करना चाहिए। और नवा दिन जो होता है वो सिद्धिदात्री माता का दिन है, जो हमारे कुंडली की केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। केतु ग्रह जो है उससे क्या होता है, सडन एकदम से लाइफ में प्रॉब्लम आ जाना, मेजर प्रॉब्लम आ जाना, शरीर का कोई अंग का टूट जाना, महाभयानक एक्सीडेंट हो जाना, ये जो सारी चीजें होती है वो केतु से रिलेटेड होती है। और सिमिलर मंगल के जो प्रॉब्लम होते हैं वो केतु के साथ होते हैं, अगर आपका केतु खराब हो तो उसके लिए आपको जो मंत्र करना है वो है ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः। उस दिन आप पिकॉक ग्रीन, बैंगनी कलर के कपड़े पहन सकते हो, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के फूल आप माता रानी को चढ़ा सकते हो, और लड्डू का भोग लगा सकते हो। तो ये था केतु के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप जैसे ऑपरेशन की नौबत आती है वो सारे ही जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो केतु के रिलेटेड और सडन एकाएक एकदम से आ जाना। तो ये सारी अगर प्रॉब्लम्स चल रही है आपको, तो आने वाली नवरात्रि में माता रानी उनके नौ रूप के साथ आ रही है और आपको स्पेशल आशीर्वाद देने आ रही है। तो मैंने जो मंत्र बताया वो बहुत ही इजी है, और जो विधि बताई है वो बहुत ही सिंपल विधि है जिसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप ये मंत्र कीजिए, और कम से कम 1008 बार तो ये मंत्र जरूर कीजिएगा,
ताकि आपकी लाइफ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए और आने वाली नवरात्रि के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तरफ से मैं भी माता रानी को प्रेयर करूंगी कि जो भी मैंने जो ये मंत्र दिए हैं अगर उनसे पूजा करते हैं तो आपके भी जो भी सारे दुख हो वो दूर हो जाए। तो नव दुर्गा का स्मरण करते हुए और उनका स्वागत करने के लिए मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी हो जाइए। तो इजाजत चाहूंगी आप सभी से। जय माता दी।